कराची शहर में पानी की चोरी भी है और लीकेज का भी बिल्कुल इशू है। बहुत से ऐसे घर भी हमने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में देखे हैं जहाँ पे पानी आता नहीं है लेकिन पानी का बिल आता है। एक नए नौयत के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जिसपे शायद अभी तक हमारे पास काम बहुत कम हुआ है। एक पायलट प्रोजेक्ट जो कि 1,00,000 गैलन पर मुश्तमिल होगा, उसको आइंदा चंद रोज में इंशाल्लाह उसका भी हम आगाज करने जा रहे हैं। जो सबसे गरीब घराने हैं उन्हीं के वो सबसे ज़्यादा महंगा पानी ख़रीदना पड़ता है, और कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे घराने हैं जहाँ पे 20-30% महाना आमदनी जो है एक घर की वो सिर्फ पानी को हासिल करने में लग जाती है। अब हम चेक कर सकते हैं कि वो जो टैंकर्स हैं वो क्या अप्रूव्ड हाइड्रेंट से, जो 7 अप्रूव्ड हाइड्रेंट्स हैं उनसे पानी ले रहे हैं या किसी और इलीगल हाइड्रेंट से ले रहे हैं। पीने का पानी कराची का एक बहुत बड़ा मसला है। सहूलियात ना होने के बायस जहां रोजाना हजारों गैलन पानी जाया हो जाता है, वहीं मौसमियाती तब्दीलियों ने भी शहर कायद में पानी की किल्लत में इजाफा किया है। शहर कायद का पौश इलाका डिफेंस हो या कदीम इलाका लियारी, गुलशन इकबाल हो, गुलिस्तान जौहर हो या ओल्ड सिटी एरिया के इलाके, कराची के बासियों के लिए पानी की नेमत नायाब है। पानी की कमी का मसला सिर्फ कराची को ही दरपेश नहीं बल्कि पाकिस्तान का तकरीबन हर शहर पानी की कमी का सामना करता है। इसी सिलसिले में कराची में हबीब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर हसन एफ खान ने एक तहकीक की और इस तहकीक के लिए लियारी को केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस दौरान घरेलू पानी की तलब, पानी की मईशत, पानी तक रसाई के अवामिल और कम आमदनी वाले महलों में पानी के इस्तेमाल के बारे में तहकीक की गई। हमारी जो रिसर्च में सामने आया वो ये सामने आया कि एक्चुअली जो कराची की नीड्स की जो एस्टिमेट करते हैं वाटर यूटिलिटी, जो वाटर बोर्ड असूम करती है कि एक घर में इतना पानी है, एक फ़र्द इतना पानी इस्तेमाल करते हैं एक दिन में, वो हमने देखा है कि उनकी जो असम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। रियलिटी में जो एक्चुअल वाटर यूज़ है वो इससे काफ़ी कम है, और वो जो वाटर यूज़ है वो एक्चुअली वेरी करता है, सीजनली वेरी करता है। तो गर्मियों में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, सर्दियों में कम होता है। कितना कम होता है वो हमने क्वांटिफाई किया है, वो हमने दिखाया है कि ओवर टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर कितना पानी इस्तेमाल, क्या चेंजेस होते हैं घरों में पानी के इस्तेमाल में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लियारी में जो हमारी स्टडी थी कि जो सबसे गरीब घराने हैं उन्हीं के वो सबसे ज़्यादा महंगा पानी ख़रीदना पड़ता है, और कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे घराने हैं जहाँ पे 20-30% महाना आमदनी जो है एक घर की वो सिर्फ पानी को हासिल करने में लग जाती है। तहकीक के लिए प्रोफेसर डॉक्टर हसन एफ खान की टीम में शामिल तलबा ने स्मार्ट डिवाइस भी तैयार की जो पानी के इस्तेमाल की मालूमात को हकीकी वक्त में जाँचने और मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है। हमने एक स्मार्ट डिवाइस ऐसी बनाई थी जो कि हम घरों में इंस्टॉल कर सकते थे, जिसके थ्रू हमें रियल टाइम में पानी के इस्तेमाल के बारे में पता चल सके। तो वो स्मार्ट डिवाइस थी, वो क्लाउड सर्विस से कनेक्टेड होती है और हर 30 सेकंड बाद जो है वो पानी की मेजरमेंट को क्वांटिफाई करके सेंट्रल सर्वर पे भेजती है। जैसे मैंने कहा कि अभी जो पानी की प्राइसिंग है, पानी का बिल भेजती है वाटर यूटिलिटी KWSC, वो आपके पानी के इस्तेमाल के ऊपर नहीं होती। तो अगर आपके पास पानी आता ही नहीं, बहुत से ऐसे घर भी हमने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में देखे हैं जहाँ पे पानी आता नहीं है लेकिन पानी का बिल आता है, तो ये ऑब्वियसली बहुत ही अनफेयर चीज़ है। अगर मीटर, स्मार्ट मीटर लगा होगा तो वाटर यूटिलिटी एक्चुअल कंसम्पशन के ऊपर आपको बिल कर सकती है। पाकिस्तान में पानी की कमी शदीद बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिन्हें पानी की शदीद किल्लत का सामना है, और 70 बरसों में पाकिस्तान में फीकस दस्तयाब पानी में 80% कमी आई है। जहां ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उसके नतीजे में तेज रफ्तारी के साथ पानी वाटर बेस से गुजर कर दरियाओं में और नदी नालों में बह जाता है,
और चूंकि हमारे पास खातिर ख्वाह स्टोरेज के सही इंतज़ाम नहीं है, इस वजह से अक्सर मकाम पर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाती और पानी जो है वो बजाय रिटेन होने के रन ऑफ के ज़रिए से ज़ाय हो जाता है। तो एक नए नौयत के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिस पर शायद अभी तक हमारे पास काम बहुत कम हुआ है। पानी के तहफ्फुज़ के लिए जहाँ हम सब ने किरदार अदा करना है, वहीं ख़वातीन का किरदार भी बहुत ज़रूरी है। आलमी इदारा सेहत WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन ही अपने घरों के लिए पानी जमा करने का बोझ उठाती हैं और हर 10 में से 8 घरानों में पानी जमा करने की जिम्मेदार ख़वातीन ही हैं। कपड़े धोने के हवाले से और बर्तन धोने के हवाले से जो पानी का इस्तेमाल होता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़ाय होता है। बाज़ दफ़ा नल को किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए उसका मैं अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो अब ऐसे हमारे पास नलकों के डिज़ाइन आ गए हैं जिसके नतीजे में जो पानी के बहाव की रफ्तार है उसको मौसर तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर जिन जगहों पे पानी की किल्लत हो और वहाँ पर ओवरहेड टैंक से पानी की सप्लाई हो, तो अगर हम इस नौयत के नलकों को नस्ब करें तो उससे पानी की काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में 43% आबादी को बेहतरीन पानी की अदम फराहमी जैसे मसाइल का सामना है। शहरी इलाकों में आबादी को पीने के लिए तलब से निसफ मकदार में पानी फराहम किया जाता है, जबकि कराची में पीने के पानी का तकरीबन 35-58% चोरी और लीकेज के बायस ज़ाया हो रहा है। कराची शहर में पानी की चोरी भी है और लीकेज का भी बिल्कुल इशू है। इस हवाले से जो हमारे इलीगल हाइड्रेंट्स थे उनके खिलाफ एक बड़ी एक्सटेंसिव कार्रवाई की गई है कराची वाटर सर्विस कॉरपोरेशन की जानिब से, और तकरीबन कोई 200 से ऊपर इस तरह के बड़े और छोटे हाइड्रेंट्स को मिसमार किया गया है। जो हाइड्रेंट्स से वाटर टैंकर चलते हैं जो कि शहरियों के घर में पानी पहुंचाते हैं, उनको रजिस्टर करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और तकरीबन कोई 3,200 टैंकर्स हैं जो कि अब वाटर बोर्ड इंतज़ामिया के साथ रजिस्टर्ड हैं। उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, यानी कि अब हम चेक कर सकते हैं कि वो जो टैंकर्स हैं वो क्या अप्रूव्ड हाइड्रेंट से, जो 7 अप्रूव्ड हाइड्रेंट्स हैं उनसे पानी ले रहे हैं या किसी और इलीगल हाइड्रेंट से ले रहे हैं। कराची में पानी की कमी को पूरा करने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट लगाने के भी मंसूबे खबरों की जीनत बनते रहे। इस हवाले से मेयर कराची मुर्तजा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास में गौर भी हुआ। और डीसैलिनेशन की जो आपने बात की उसकी भी पहले प्रॉपर डीसैलिनेशन प्लांट के प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस का आगाज़ हो गया है। अखबार में उसका टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। गालिबन कोई 1.5-2 महीने का प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये तमाम जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको फाइनलाइज किया जाता है, तो इंशाल्लाह उसकी भी हम कल्मिनेशन की तरफ जाएंगे। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जनूबी एशिया के खत्ते में आबी आलूदा तरीन ममालिक में से एक है। वजीर आबी वसाइल के मुताबिक कराची का 93% पानी इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज है। सबसे ज्यादा मुल्तान में 94% पानी सेहत के लिए गैर महफूज करार पाया। मुसद्दिक मलिक के मुताबिक मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज हैं। माहरीन सेहत के मुताबिक इसी आलूदा पानी से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। आलूदा पानी का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों का सबब बन सकता है, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा, वायरल डायरियाज, बैक्टीरियल डायरियाज या अमीबिक डायसेंट्री। इन बीमारियों की अलामतों के अंदर मोशंस लग जाते हैं, मछली और उल्टी की कैफियत आई होती है, शदीद उल्टियाँ लगती हैं, बुखार आ सकता है, और अगर इसका सही और बरवक्त इलाज ना हो तो शदीद पानी की कमी की वजह से जान को खतरा भी हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपनी रिपोर्ट में तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान में मौजूदा अर्बन डेवलपमेंट मॉडल की जगह नया निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। बढ़ती हुई आबादी के बायस पाकिस्तान को सालाना 3,50,000 नए घरों की ज़रूरत है। आबादी की सेटलमेंट के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ नए घरों की ज़रूरत है। पाकिस्तान को 10 साल 20 साल और 30 साल शहरकारी का नया प्लान बनाने की ज़रूरत है। म्यूनसिपल सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स की ज़रूरत है, जबकि सूबाई हुकूमतों को लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अमल दरामद के लिए इकदाम करने की भी ज़रूरत है।